देश में राजनीति को लेकर हमेशा ही बहस होती रहती है और अभी हाल ही में भारत में लोकसभा चुनाव हुए जिसमें एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी दिखाई दिया। पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो वहीं अब दिल्ली चुनाव को लेकर सरगर्मी देखी जा सकती है। सभी पार्टियों का यही प्रयास है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो जोरदार वापसी करे, लेकिन अब देखना ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि किसका पलड़ा भारी होने वाला है। जिस तरह से पिछली बार चुनाव अरविंद केजरीवाल के पक्ष में रहे थे, तो वहीं उससे सभी भारत की राजनीतिक पार्टियां काफी ज्यादा हैरान रह गई थी और मानो सभी पार्टियों के होश उड़ गए थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और अगर ऐसे में आपको ये बता दे कि अगले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार होने वाली है, तो ये हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। अब आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में किसकी जीत होनी है वो तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तभी पता चल सकेगा, लेकिन इसे लेकर कई ज्योतिष गुरु ने अपनी भविष्यवाणी कर दी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ज्योतिष के जरिए हम अपने आने वाले समय के बारे में काफी आसानी से जान सकते हैं, तो ऐसे में कई ज्योतिषचार्यों ने इसे लेकर अपनी तरफ से भविष्यवाणी कर दी है। उनका ऐसा कहना है कि इस बार फिर आपका पलड़ा भारी हो सकता है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि सत्ता पक्ष में एक बार फिर केजरीवाल नजर आ सकते हैं। तो कई ज्योतिष ये भी कह रहे हैं कि थोड़े बहुत चांस इस बार बीजेपी के भी बने हुए हैं। बीजेपी को भी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सीट्स मिल सकती हैं। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने को लेकर हमारा चैनल किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं करता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।